आज जिस चीज के बारे में बात करने वाला हूँ, हर इंसान को अपने लाइफ में, अपने जीवन में उस चीज को फॉलो करना चाहिए, चाहे वो इंसान कोई भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हर इंसान को उस चीज को अपने जीवन में सही ढंग से फॉलो करना चाहिए और लाइन अप करना चाहिए, क्योंकि एक छोटी से छोटी भी जो गलती होती है ना, एक पूरे इंसान का जीवन बर्बाद कर देती है। तो आज उन सभी चीजों को समझना कि ऐसा क्या होने वाला है, तो आज अगर थंबनेल देखे हो तो आई नो डेट कुछ ना कुछ तो क्लियर हुआ होगा। नहीं क्लियर हुआ है तो मैं क्लियर करता हूँ। नमस्कार दोस्त, मैं रुपेश शर्मा, मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच। आज जो चीज करने वाला हूँ उस चीज से हम लोग बहुत कुछ सीखेंगे और बहुत कुछ समझेंगे भी, और अपने लाइफ में उस चीज को अप्लाई करके, और अप्लाई करने से बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट भी होगा, क्योंकि कुछ चीजें जो सही होती है वो सही होती है, उस चीज को अप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं होता है। और हर इंसान को उस चीज को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि अगर कोई बड़ा से बड़ा इंसान जब अपने लाइफ में उन सब चीजों को करने के बाद पूरा का पूरा लाइफ अपना बर्बाद कर दिया है, तो उन सब चीजों को देख के हम लोग कुछ सीख सकते हैं और अपने लाइफ में, अपने जीवन में उस चीज को सुधार सकते हैं। तो हर पर्सन को इस चीज के बारे में समझना चाहिए और जानना चाहिए और अप्लाई करना चाहिए। आज जिस चीज के बारे में बात करूंगा उस चीज को सही से समझना है। रावण अपने जीवन में महाज्ञानी महापंडित होते हुए हार क्यों गया, आज उन सब चीजों को समझना है। रावण ने ऐसा क्या गलती किया था जो हम लोगों को अपने लाइफ में, अपने जीवन में कभी भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर रावण की बात करूं तो रावण एक महाज्ञानी महापंडित, उससे बड़ा कोई महाज्ञानी और महायोगी पंडित आज तक ना हुआ है ना कभी होगा। उस इंसान का जब घमंड और उस इंसान का अहंकार जब रहा ही नहीं, तो हम तो इस दुनिया में एक आम इंसान है, हम लोग का क्या रहने वाला है, कभी भी नहीं रह सकता है। क्योंकि जो इंसान उतना शक्तिशाली होते हुए भी अपने लाइफ में, अपने जीवन में कभी कुछ नहीं कर पाया और हार गया, वो इंसान जब वैसा इंसान अपने जीवन में हार सकता है, तो हम लोग अपने लाइफ में एक छोटे से इंसान है और दुष्ट से प्राणी है। हम लोगों को उन सब चीजों को गलती नहीं करना चाहिए, किसी को देख के उसके किए हुए गलती को समझना चाहिए कि वो बंदा अपने लाइफ में, अपने जीवन में क्या गलती किया और हम लोग वैसे क्यों नहीं कर सकते हैं और नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए। आज उन सभी चीजों को समझना है कि रावण अपने जीवन में क्यों हार गया, उन सब चीजों को क्लियर करता हूँ, आप कुछ ना कुछ समझ पाओगे, क्योंकि बिना स्टोरी के तो आपको कुछ समझ में आता नहीं है। फिर एक स्टोरी करता हूँ, उस स्टोरी को समझने के बाद आप समझ पाओगे सही ढंग से कि अपने लाइफ में उन सब चीजों को करना इम्पोर्टेंस है या नहीं है। इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप जानते हो, बहुत ही सही ढंग से समझते हो अपने लाइफ के बारे में, अपने जीवन के बारे में और अपने आप के बारे में, तो क्या करना है नहीं करना है इट्स योर चॉइस। तो मैं तो क्लियर करता हूँ, आप उस चीज़ को समझना और समझने के बाद अप्लाई करना है या नहीं करना है, उस चीज़ को फॉलो करना है नहीं करना है, इट्स योर डिसीजन। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर में जो चीज़ आता है उस चीज़ को समझना है कि रावण अपने जीवन में क्यों हारा। तो सबसे पहली गलती जो थी उसका, उस चीज को समझना है, उसको जरूरत से ज्यादा घमंड था। जो इंसान था ऐसा इंसान था कि अपने जीवन में, अपने पूरे जीवन काल में जरूरत से ज्यादा घमंड करता था। और किस चीज का घमंड करता है उस चीज को भी समझना है कि वो जो रावण था, वो बंदा था, क्यों इतना ज्यादा घमंड करता था, उन सब चीजों को समझना है और फिर आप डिसाइड करना कि सही है या गलत है। रावण को घमंड इस चीज का था कि मैं इतना बड़ा राजा हूँ, मेरे पास एक पूरा का पूरा सेना है, पूरा राक्षस कुल का सेना है और पूरा राक्षस कुल का मैं राजा हूँ, और मेरे पास एक से बढ़के एक योद्धा है, और शायद उस टाइम में और उस समय में रावण के जितना बड़ा सेना किसी और के पास नहीं था। इसलिए रावण उस चीज पे हमेशा घमंड करता था और उसको लगता था कि मुझे कोई हरा ही नहीं सकता है, क्योंकि किसी भी राजा का शक्ति, किसी भी राजा का पावर उसके सेना से ही होता है। सेना जितनी बड़ी होगी, राजा की शक्ति उतनी बड़ी होगी, और राजा उसके हिसाब से राज करता है और किसी भी युद्ध में जीतता है या हारता है। तो उस टाइम में रावण की सेना इतनी बड़ी थी, एक से बढ़ के एक योद्धा थे उसके सेना में और एक से बढ़ के एक राक्षस थे, बहुत ही सही ढंग का उसका सेना था। इस चीज का घमंड हमेशा रावण को रहता था कि मेरे पास इतना अच्छा सेना होते हुए, इतना सारे योद्धा रहते हुए, शायद मुझे इस दुनिया में कोई नहीं हरा सकता था और कोई नहीं हरा सकता है। फिर भी रावण हार गया क्योंकि उसको घमंड था कि मुझे कोई नहीं हरा सकता, इसकी वजह से वो हारा। उस इंसान का जो दूसरा गलती था, वो अपने पूरे जीवन में जो दूसरा गलती किया, उस चीज को समझना है और हम लोगों को उस गलती को कभी भी नहीं करना है। दूसरा गलती जो सबसे बड़ी गलती किया उसने, उसको अहंकार बहुत था। अहंकार से ऐसे समझ सकते हो कि रावण को ऐसा वरदान था ब्रह्मा जी के द्वारा कि मुझे जब भी कोई मारेगा, कोई इंसान या बानर मारेगा। लेकिन रावण इतना योगी, इतना शक्तिशाली होते हुए उसको इतना कॉन्फिडेंस था और इतना अहंकार था कि कोई एक छोटा सा मनुष्य, एक दुष्ट सा मनुष्य एक राक्षस को कैसे मार सकता है। था ब्राह्मण लेकिन कुल उसका राक्षस का था, इसलिए जो भी हुआ उसका हश्र
जैसा भी हुआ उसका जो भी कर्म था उसके हिसाब से उसको जो भी मिला था। तो उसको इस चीज का अहंकार था कि मुझे ब्रह्मा जी से वरदान मिला हुआ है, मैं इतना योगी, इतना शक्तिशाली और इतना बड़ा सेना मेरे पास है, और उसके बाद मुझसे तो ब्रह्मा जी का वरदान भी मिला हुआ है, मुझे जब भी कोई मारेगा, कोई आम इंसान या एक बानर मारेगा, इसके अहंकार में रावण हमेशा अहंकारी था। वो कभी भी नहीं समझता था कि एक दुष्ट इंसान उसको मार सकता था। उसकी यही एक बड़ी गलती, उसका यही एक अहंकार उसके मौत का कारण बना और एक दुष्ट इंसान के हाथों में मारा गया। तीसरे नंबर में जो चीज को समझना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत ही सही ढंग से आप इस चीज को समझना, रावण जो तीसरी गलती किया वो अपने जीवन में शायद इस चीज को उस टाइम भी नहीं भूला कि मैंने क्या गलती किया। मरते मरते भी उसको पता था कि मैंने गलती क्या किया था। रावण चरित्रहीन था, चरित्रहीन और चरित्रवान तो समझते हो, इस टाइम के अगर बात करूं तो कैरेक्टर मतलब अच्छा गुड कैरेक्टर बैड कैरेक्टर, वैसे ही चरित्रहीन और चरित्रवान उस टाइम में कुछ वर्ड था, ऐसा कुछ था। तो रावण चरित्रहीन था, वैसा ही उसने क्या गलती किया, ऐसा क्यों, क्योंकि वो सीता का हरण किया था और लेके गया हुआ था, इसलिए वो चरित्रहीन था। और कभी भी वो नारी जो होती है ना, कभी भी एक महिला का इज्जत नहीं करता था, कोई भी रिस्पेक्ट नहीं करता था। लास्ट में युद्ध के अंतिम टाइम में रावण ने बताया भी था और बोला भी था, जब लक्ष्मण जी उससे ज्ञान लेने गए हुए थे तो पूछा भी था कि मैं क्यों हार गया, मैं इतना बड़ा, अगर ऐसे समझो तो रावण ने बोला था कि सीधी सी बात है, तुम एक वनवासी, एक दुष्ट से मनुष्य, मैं एक राजा, कुल में भी तुमसे बड़ा, तुम कहाँ रघुवंशी और मैं कहाँ ब्राह्मण, फिर भी मैं हार कैसे गया, तुमसे सेना भी बड़ी, तुम्हारा जो सेना था उससे भी मेरा सेना बड़ा। बस उसकी एक ही गलती थी कि वो चरित्रहीन था और राम चरित्रवान थे, इसलिए उसका हारने का कारण वही था कि वो जो भी उसका कैरेक्टर था थोड़ा खराब, अभी के टाइम में कैरेक्टर खराब बोल सकते हैं उस चीज को, और उस टाइम में चरित्रहीन था। तो दोस्त इस चीज से सीखना और समझना इसलिए इम्पोर्टेंस है कि हम लोग के लाइफ में कभी भी इन सब चीजों को अप्लाई नहीं करना चाहिए। कभी भी किसी भी इंसान को किसी भी चीज के रिगार्डिंग, चाहे वो पैसा हो, एजुकेशन हो, कुछ भी हो, या कोई पद हो, कोई भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक इंसान को कभी घमंड नहीं करना चाहिए। और दूसरी जो चीज़ है, कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए कि मुझसे बड़ा और मुझसे अच्छा इस दुनिया में कोई नहीं है और कुछ नहीं हो सकता है। तो दोस्त ऐसा कुछ नहीं है, अहंकार कभी भी नहीं करना चाहिए। और अभी के टाइम में इस चीज़ को समझना, इंसान को कभी अपना कैरेक्टर खराब नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोस्त कैरेक्टर पर एक बार धब्बा लग जाता है ना तो किसी डिटर्जेंट से साफ नहीं होता है। कपड़े का दाग नहीं है कि अगर कपड़े पर दाग लग गया तो उसको किसी डिटर्जेंट से साफ कर देंगे, अगर नहीं साफ होगा तो उस कपड़े को चेंज कर देंगे, लेकिन अगर कैरेक्टर पर एक बार दाग लग गया तो पूरे लाइफ के लिए धब्बा हो जाता है और पूरा लाइफ उसको झेलना पड़ता है और पूरा लाइफ सामने आता है और सर्वाइव करना पड़ता है। तो भाई दोस्त, अगर लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो इन सब चीज़ों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। कभी भी घमंडी नहीं होना, कभी भी अहंकार नहीं करना, और कभी भी किसी को देख के अपना कैरेक्टर खराब मत करना, और कभी भी किसी के लिए, कोई भी औरत हो उसके लिए कभी भी अपना नीयत खराब मत करना, और कभी भी नीयत अपना गंदा मत करना, क्योंकि इंसान वही होता है। क्योंकि सिंपल सी बात है ना कि दोस्त, किसी अगर औरत को देख के अपना नियत खराब करते हो तो इस दुनिया में उससे गंदा काम और कोई नहीं है। अगर ऐसा कुछ करते हो तो मत करना, क्योंकि जब एक बार उस चीज में पकड़े जाते हो या उस चीज का धब्बा लगता है पूरे जीवन में, तो पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है और अच्छा से अच्छा जीवन बर्बाद होता है। तो दोस्त आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलूंगा एक नए कॉन्टेंट, एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स।